Assalamualaikum students, I am your English teacher, Ms. Zoha Tawassum. Dear students, today we will discuss chapter 7, why. Okay, so let's start. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, while lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others, no one ever yet has found the reason why. Okay students, now I am going to explain this poem. The title is Why. Why means होता है क्यों. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. अब इसमें पोइट कह रहा है कि मैं एक ऐसे छोटे बच्चे को जानता हूँ जो बहुत क्यूरियस है. क्यूरियस मीन्स होता है कि जिसमें हर चीज जानने या सीखने की चाहत होती है. तो वो जो बच्चा रहता है उसको हर चीज जानने या सीखने की चाहत होती है, वो हमेशा पूछता रहता है क्यों, ये क्यों, वो क्यों, तब क्यों, अब क्यों, क्यों नहीं उस वक्त क्यों. He wants to know why wood should swim and why lead and marble sink. अब वो ये जानना चाहता है कि जो wood होती है, लकड़ियाँ होती हैं, वो तैरती क्यों हैं और क्यों lead और marble डूब जाते हैं. Why sun should shine and wind should blow and why we eat and drink. क्यों सूरज चमकता है और हवा क्यों बहती है, चलती है, और क्यों हम लोग खाते और पीते हैं. ओके, नेक्स्ट. ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड्स एंड वाई दे क्रॉस द स्काई. वो ये भी जानना चाहता है कि बादल को क्या बनाता है, क्लाउड्स को क्या बनाता है, और जो क्लाउड्स होते हैं वो स्काई को क्रॉस क्यों करते हैं. वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स एंड वाई द फ्लावर्स डाई. और जो सूरज होता है वो पहाड़ियों के पीछे क्यों डूबता है और क्यों फ्लावर्स मुरझा जाते हैं. सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई. अदर्स नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन वाई. कुछ जो वाइज होते हैं उसके आंसर देना बहुत टफ नहीं होता है. उसके आंसर तो हम लोग दे लेंगे, लेकिन कुछ वाइज के आंसर हम लोग खुद नहीं जानते, उसके रीजन हम खुद नहीं जानते, जिसकी वजह से उसका आंसर देना मुश्किल हो जाता है. ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स एनफ फॉर टुडे. I hope that you all have enjoyed watching this lesson, and inshallah I'll be back soon with some new videos. Till then, you take good care of yourselves. Okay, Allah Hafiz.